वो तो खत्म हो गया और आगे के लिए 2022 का जो 30 मार्च 31 मार्च उन्होंने निश्चित किया है वो एक जुमला है, क्योंकि आपको पता है नगर निगम के चुनाव सामने आगे खड़े होंगे। उस चीज को लेकर भी महिलाएं प्रदर्शन करेंगी। कांग्रेस का हर डिस्ट्रिक्ट हर ब्लॉक अपने अपने एरिया में कल से काम शुरू कर चुका है, लेकिन हम फ्रंटियर होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम भी दिए हुए कार्य को संपूर्ण रूप से जनता तक पहुंचाए, जनता की आवाज बने। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों की जो रूपरेखा है चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की, वो कल से शुरू होने जा रही है, जिसमें हम जो महंगाई का इतना हल्ला बोल हुआ उसको लेके महिला कांग्रेस हर ब्लॉक हर डिस्ट्रिक्ट में अपना कार्यक्रम रखेगी। उसकी रूपरेखा भी आपको बता दी जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने चंडीगढ़ के टेरिटोरियल कांग्रेस के प्रधान श्री सुभाष चावला भाई को बोलूंगी कि वो आपको थोड़ा इसके बारे में आगे निर्देश दें। नमस्कार साथियों, कांग्रेस भवन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे दीपा जी ने बताया, ये हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से निर्देश है कि पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी कांग्रेस कमेटियाँ काम कर रही हैं वहाँ पर जो तो बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, हर रोज़ जो आदमी के जो रोजमर्रा का जीवन है उसके लिए नई मुश्किलें खड़ी हो रही है, और ख़ासकर वो चीज़ों का रेट बढ़ रहा है जिसका हमारे जीवन के साथ सीधा संबंध है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसमें डीजल और पेट्रोल, उसके लिए जब रेट बढ़ते हैं तो उसके साथ हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं, और सरकार अभी तक जनता को ये नहीं बता रही कि रेट बढ़ क्यों रहे हैं। कारण कभी कभी ये बोल देते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट बढ़ गए हैं, रेट इसलिए ठीक बढ़ रहा है, लेकिन क्या वाकई यही कारण है या कोई और कारण है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज हमारे सामने। 2011-12 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में कमोबेश वही इंटरनेशनल मार्केट के रेट थे क्रूड ऑयल के जितने आज हैं, $70-80 प्रति बैरल तक उस वक्त रेट गए थे और वही आज है इंटरनेशनल मार्केट में। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में पेट्रोल ₹65 से ज़्यादा नहीं बिका। अगर ऐसी कभी कोशिश आई तो सरकार ने कदम उठाए, चाहे वो सब्सिडी देनी हो या टैक्स कम करने हो, लेकिन जनता के ऊपर उसका बोझ नहीं बढ़ने दिया। तो आज क्या कारण है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में वही रेट है और पेट्रोल जो है वो ₹110 तक पहुंच गया है, तो ये सवाल लेके हम जनता के सामने जा रहे हैं कि सरकार से हम पूछें, और जो हम महसूस कर रहे हैं कि अपना जो इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो उसके लिए बिल्कुल ये मोदी सरकार फेल हो चुकी है, उसको ठीक करने की बजाय ये जनता के ऊपर, जो कि सबसे आसान तरीका होता है कि हर ऑन क्राइम सेक्टर है, ये पेट्रोल खरीदने वाले लोग हैं इनके ऊपर ही बहुत जाते थे, और यही कारण है कि इनके रेट बढ़ने के साथ साथ मार्केट में हर जो चीज़ है, चाहे वो खाने की वस्तु हो, सरसों का तेल हो, सब्जियाँ हो, दालें हो, वो सब बेतहाशा बढ़ रही है। तो इसको लेकर हमें ये आदेश है कि पूरे भारतवर्ष में इसके खिलाफ 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आंदोलन किया जाए, और उसी निर्देश को मानते हुए चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी हम अपने लेवल पर भी कर रहे हैं, और इस बार ज़्यादा हम आग्रह कर रहे हैं। तो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें महिला कांग्रेस सबसे ज़्यादा अग्रणी है, क्योंकि 50% आबादी हम समझते हैं, और वो आबादी जिसका इन कीमतों का सीधा असर पड़ता है, क्योंकि एक तरह से घर की किचन और घर के खर्चे चलाने में महिलाओं को क्या प्रॉब्लम कर रही है ये बेहतर यही जानती है। इसी तरह यूथ कांग्रेस है, NSY है, सेवा दल है, इंटक है, इन सभी को निर्देश दे दिए गए हैं कि अपने अपने एरिया में जहाँ जहाँ उनका प्रभाव है ये प्रदर्शन 7 से लेकर 17 तारीख तक, आज भी कल हमारे 2 फंक्शन हुए हैं, इसमें प्रदर्शन हुए,
आज कुछ प्रोग्राम हमने रखे थे, लेकिन वो वीरभद्र सिंह जी जो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी मृत्यु के कारण हमने उसको आज के लिए स्थगित कर दिया है। सबको कह दिया है कि उनके शोक में हम ये प्रोग्राम आज का ना करें। कल से आपको लगभग जो हमारे ब्लॉक ट्रैवल सर की जो प्रोग्राम है उनकी जानकारी हमें दे दी जाएगी। इस बार जो हमारे प्रदर्शन है उनका स्वरूप हमने कुछ थोड़ा बदला है। पहले होता था कि एक जगह हम सारे गांवों को इकट्ठा किया, प्रदर्शन किया, कई बार लाठीचार्ज भी हो जाता था, कई बार वाटर कैनन चलते थे, तो वो हमारा प्रोग्राम एक दिन तक सीमित रह जाता। अब ये प्रोग्राम जो हमने 11 दिन चलाना है, तो ये हमने कहा है कि छोटे स्तर पर, क्योंकि कोविड की गाइडलाइंस की वजह से हम बहुत लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। पिछले दिनों हमने आपको देखा होगा कि हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के खिलाफ 33 सेक्टर पेट्रोल पंप पे हमने प्रदर्शन किया, हमारे ऊपर 5 FIR पड़े, जबकि हम वहाँ बिल्कुल हम कोरोना गाइडलाइन जो सरकार की तरफ थी उसको मान रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग भी थी, मास्क सबने पहने हुए थे, सैनिटाइजेशन भी सबकी हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने शायद हमें डराने के लिए भी आंदोलन आगे ना करे। लेकिन राजनीति में जब आए हैं तो फिर ऐसी FIR से डरना क्या। लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी कोरोना की लहर का थ्रेट है तो सही नागरिक के नाते हमारा भी फर्ज बनता है उसको मानते हुए ये प्रदर्शन करें। ये प्रदर्शन हमारे मोहल्ला स्तर पर होंगे, सेक्टर स्तर पर होंगे, ब्लॉक स्तर पर होंगे और हर कॉलोनी और गांव में। ये हो सकता है कि आपको लगे कि इतना बड़ा नंबर एक जगह इकट्ठा नहीं हुआ, मैं मान अभी कह सकता हूँ। हमने खुद कहा है कि चाहे 5 आदमी इकट्ठे हों या 500 इकट्ठे हों, शांतिपूर्वक होना चाहिए, कोई किसी से झगड़ा नहीं। इसमें जो मुख्य तौर पर हमने प्रोग्राम करने हैं कि हमारे कार्यकर्ता एक ब्लैक फ्लैग और एक पार्टी का झंडा लेके सब पेट्रोल पंपों पे जाएंगे और जहाँ जो लोग वहाँ पेट्रोल डलवाने आए हैं। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।